जिग्ना के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बालूशाही बनाने जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े पतीले में हम एक कप मैदा ले लेंगे। इसको मैंने पहले ही छान के रख दिया था। साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है। 1/6 कप घी डाल देंगे, यानी कि 1/4 कप में 2 टेबलस्पून कम कर लीजिएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो घी है वो आटे पर अच्छे से चिपक जाए। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मसलना रहेगा ताकि जब हम बालूशाही खाएंगे तो एक घी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर हमारे मुंह में आए। अब इसमें चुटकी भर नमक डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब 1 टेबलस्पून जितना दही ले लेना है। इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। पानी की मात्रा इसमें बहुत ही कम लगेगी क्योंकि हमने घी का ही मोयन बहुत ज़्यादा डाल दिया है और इसी से हम आटा गूंथते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी लगा है मुझे ये आटा गूंदने में। बस ये अब बनकर तैयार है, तो हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक इसकी चाशनी बना के रेडी कर लेते हैं। 1 कप चीनी ली है और 1/2 कप पानी लिया है। इसे हम जब तक चीनी पिघले तब तक इसे गर्म कर लेंगे। चीनी में फ्लेवर्स देने के लिए आप इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ रोज़ वाटर लिया है, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 TSP जितना ही रोज़ वाटर लिया है और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस हमारी चाशनी बनके तैयार है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं ताकि चाशनी जल्दी से ठंडी ना हो जाए। अब आते हैं हमारे आटे की तरफ। इसे फिर से हम 2 मिनट के लिए गूंद लेते हैं। दिवाली के त्यौहार में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। अब इसकी हम एक लुई तोड़ लेते हैं और छोटू सा बॉल बना लेंगे, फिर बीच में एक खड्डा कर देंगे। बस इसी प्रकार हम बालूशाही बना लेंगे। इसके लिए हमें बहुत ही परफेक्ट राउंड शेप नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने घी का मोयन ज़्यादा डाला है, इसीलिए थोड़ा अनइवन और अनफिनिश्ड ही राउंड आएगा और तभी बालूशाही बहुत ही बढ़िया दिखती है। सारी बालूशाही बनके तैयार है, तो घी गरम करने के लिए रख देते हैं। आप इसे तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मैंने घी का इस्तेमाल किया है। हमें आंच को धीमी ही रखना है और एक बार में 3 से 4 बालूशाही हम डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी फूल जाएगी, तो इसे जगह रहनी चाहिए। अब इसे हम एकदम ही स्लो आंच पर तलेंगे ताकि जो बालूशाही है वो एकदम पूरी तरह से सिक जाए और अंदर से भी एकदम अच्छे से पक जाए। इसे सीखने में आप ज़रा भी घाई ना करिएगा दोस्तों। आंच को एकदम ही स्लो रखिएगा और तलिएगा। एक बैच को तलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो ये मैं निकाल रही हूँ। इसी प्रकार हम बाकी की सारी भी तल लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों और ये बहुत ही बढ़िया बनती है। घर की बनाई हुई मिठाई है तो हम शुगर कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चाशनी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। बस ये मेरा सेकेंड बैच भी रेडी है। चलिए अब आते हैं चाशनी की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी चाशनी कैसी दिखनी चाहिए। मैंने उंगली और अंगूठे पर चाशनी ले ली है और आप देख सकते हैं ये तार बन रहा है, लेकिन लंबा नहीं हो रहा है। बस इसी प्रकार हमें ये चाशनी बनानी है। अब जो बालूशाही हमने रेडी कर ली थी वो इसके अंदर हम 6 से 7 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम इसे सोक कर लीजिएगा।
यानी कि 8 से 10 मिनट के लिए इसे रख दीजिएगा। उसके बाद इसे बाहर निकालिएगा। अब एक स्टैंड पर मैं इसे रख दे रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। फिर हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता लगाकर। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं या फिर इसे प्लेन भी रख सकते हैं। मेरे पास ड्राइड रोज पेटल्स है तो मैंने वो भी लगा लिए हैं। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। दिख रही है ना बालूशाही बहुत ही मज़ेदार। चलिए एक पीस मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो इस दिवाली आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।